तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड के नंबर से लिंक कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड के नंबर से कैसे लिंक करा सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी ऑन करें, क्योंकि मैं टेक्निकल टिप्स लाते रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने वोटर को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद कुछ आपको इस टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वोटर रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन फॉर्म, फॉर्म 6B, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना कोई एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अपने वोटर कार्ड के नंबर को इंटर करना है। वोटर कार्ड का नंबर को इंटर करने के बाद आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको फेज डिटेल पर क्लिक करना है। फेज डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो प्लेस है उसको इंटर करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक फॉर्म का कंफर्मेशन आ जाता है, आपको सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी दिया जाता है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। अपने रेफरेंस आईडी का स्टेटस देखने के लिए सिंपली आपको एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना रेफरेंस आईडी डालेंगे और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे।